हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर, कि उसकी एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती है, ठीक है, कि हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं कौन कौन सी होती है। द गवर्नर हैज़ अ फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव पावर, ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट आर कैरिड आउट द नेम ऑफ द गवर्नर, कि मीन्स इसमें क्या होता है कि जो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा, ठीक है, स्टेट गवर्नर के द्वारा। ही अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकता है किसकी सहायता से, किसकी एडवाइस से, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लाइक दोज द एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कि जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं जैसे एडवोकेट जनरल एडवोकेट की अपॉइंटमेंट करवानी है, चेयरमैन रखना है, जहाँ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो अपॉइंटमेंट होती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, उसके पास लेजिस्लेटिव कौन कौन सी पावर होती है, द गवर्नर है गवर्नर ऑफ द स्टेट कन्वेंस द फर्स्ट सेशन, कि जो गवर्नर होता है वो स्टेट का फर्स्ट सेशन बुलाता है, ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, कि जो सजेशन से उन्हीं की एडवाइस से जो गवर्नर होता है कि वो स्टेट की जो विधानसभा डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। इफ़ द स्टेट हैज़ बी कैमरल लेजिस्लेटर देन द गवर्नर कैन कॉल द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, अगर स्टेट की जो दो कैमरल विधानसभा है, जो गवर्नर स्टेट ऑफ विधानसभा दोनों सदनों की जो कॉमन सेशन बुला सकता है, ठीक है। इन केस स्टेट लेजिस्लेटर इज नॉट इन सेशन, अगर इन केस इफ किसी भी वजह के कारण जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो सेशन में नहीं है, तो गवर्नर में प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस टू मीट द सिचुएशन, ठीक है। एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर इज सेंड फॉर द असेंट ऑफ गवर्नर, जो भी बिल पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटर के लिए उसको सेंड किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर कैन अपॉइंट द स्पेशल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हु हैव स्पेशल नॉलेज और पार्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर सच एज द लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस, की जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट कर सकता है स्पेशल मेंबर्स को द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जैसे मैटर होते हैं ना, सच एज मैटर लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया और सोशल सर्विस हो गया, ठीक है। देन फाइनेंशियल पावर, द गवर्नर ऑफ स्टेट मेक श्योर दैट द एनुअल बजट बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो गवर्नर होता है वो मेक श्योर करता है कि जो एनुअल बजट होता है स्टेट का वो लेजिस्लेटिव में सेंड करता है, ठीक है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर, पर गवर्नर की परमिशन के बिना कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव में। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स, द गवर्नर हैज सर्टेन डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स विच ही कैन यूज विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, कि उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं जो विच ही कैन वो यूज़ कर सकता है विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। दीज आर इफ़ नो पार्टी इज एबल टू विन अ मेजॉरिटी सीट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द गवर्नर कैन अपॉइंट द पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर हु कैन गेट द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एज द एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इफ़ नो पार्टी मीन्स कोई भी पार्टी एबल नहीं होती, अगर कोई भी पार्टी राज्य विधानसभा में जो बहुमत जो सीट्स होती हैं उससे जीत प्राप्त करने के योग्य नहीं होती, तो जो गवर्नर होता है एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है जिसको राज्य स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित विधानसभा के जो बहुगिनती जो मेम्बर्स होते हैं उनका समर्थन मिल सकता है।
ठीक है. इफ गवर्नर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट्स अफेयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन रिक्वेस्ट द प्रेजिडेंट टू डिक्लेयर एन एमरजेंसी इन द स्टेट प्रेजिडेंट रूल इन द स्टेट. कि अगर गवर्नर जो होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता गवर्नमेंट की जो अफेयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो अफेयर्स चल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो गवर्नर क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है प्रेजिडेंट को कि वो डिक्लेयर करे कि एमरजेंसी स्टेट ऑफ प्रेजिडेंट स्टेट और द प्रेजिडेंट रूल इन द स्टेट. ठीक है, क्योंकि प्रेजिडेंट के जो रूल होते हैं वही स्टेट में चलते हैं. ही और शी बिकम द रियल रूलर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द एमरजेंसी इन द स्टेट. अंडरस्टूड. ही शी कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट द वर्किंग ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. द गवर्नर हैज अ पावर टू ग्रांट द पार्डन और सेंटेंस ऑफ द पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. कि जो गवर्नर की पावर होती है, जो उसकी पावर होती है उसमें क्या होता है, जो कार्यकारी जो उसके संबंधित कोई भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी को सजा देने और उस ना देने की वो शक्ति रखता है. ठीक है, कोई भी अपराधी हो उसको सजा देने की उसके पास पावर होती है. ही शी कैन सेंड बैक द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर रिकंसिडरेशन. कि वो क्या कर सकते हैं कि वो बिल्स को भी जो पास हुए बिल है लेजिस्लेटर के थ्रू उसको भी वापस कर सकता है दोबारा उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, उसको सेटिंग करने के लिए. ही और शी कैन रिजर्व सर्टेन द बिल फॉर द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट. कि वो क्या करता है कि जो सर्टेन बिल्स होते हैं वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेजिडेंट के पास जाते हैं. ठीक है. पोजिशन ऑफ द गवर्नर. ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द numerous power to the governor, he she is not the real head of the state. इसमें क्या आ जाता है कि हालांकि जो हमारा constitution है उसने गवर्नर को काफ़ी powers दे रखी होती हैं, but वो real head नहीं होता state का. ठीक है. द गवर्नर एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. की जो गवर्नर की पावर्स होती हैं वो एक्सरसाइज किस लिए कब होती हैं कि एडवाइस चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू एंड काउंसिल मिनिस्टर. ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू उनकी जो पावर्स होती हैं वो एक्सरसाइज होती हैं. इफ़ शी ही और शी डिसएग्री विद हर मिनिस्टर्स एंड ही शी प्लेस हिमसेल्फ हरसेल्फ इन द अवेकवर्ड पोजिशंस. कि अगर जो गवर्नर है, अगर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर्स की वो डिसएग्री होते हैं और उसको एक पोजीशन पे रखा जाता है. ठीक है, दे वुड रिजाइन एंड द गवर्नर वुड बी कंपेल्ड टू फाइंड द अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री. अगर वो रिज़ाइन देते हैं तो गवर्नर वुड बी कंपेल्ड द फाइंड अल्टरनेटिव मिनिस्टर. गवर्नर की ड्यूटी है कि वो कंपेल्ड करता है और फाइंड आउट करता है कि अल्टरनेटिव मिनिस्टर्स के लिए. ठीक है, द काउंसिल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ministers is responsible to the legislative assembly and not to the governor. But it must be noted that the governor is more than the more constitutional or nominal head. कि ये must be noted होता है कि जो governor होता है more than the constitutional or nominal head होता है. He has a power to advise, warn and increase. उसके पास power होती है advise करने के लिए, warn करने के लिए और increase करने के लिए council of the minister को. द गवर्नर फंक्शन एज द एजेंट ऑफ द सेंटर. जो गवर्नर होता है कैसे फंक्शन करता है, एज एजेंट ऑफ सेंटर एंड एक्ट एज लिंक बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. अंडरस्टूड. थैंक यू बेटा, रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली. ओके.